हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2019 के 12 मार्च के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस। ये शिफ्ट टू के क्वेश्चंस हैं और शिफ्ट वन के क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उस वीडियो क्लास को भी आप ज़रूर देखें। और ये सारे क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीपीओ के लिए, सीजीएल के लिए, स्टेनो के लिए, सीएचएसएल के लिए और एमटीएस एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 12 मार्च 2019 को शिफ्ट टू में। और पहला क्वेश्चन ये है कि रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है इसमें से। अब देखिए, ड्रिबल की स्पेलिंग सही है, ड्रीमी की स्पेलिंग सही है, ड्रेडफुल की स्पेलिंग सही है, यानी ये स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली ये ड्राउट की स्पेलिंग है, सूखा जो पड़ता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? DROUGHT होनी चाहिए ये स्पेलिंग। तो ये जो स्पेलिंग है ये आपकी गलत है और यहां पर इसका आंसर होगा सी, ठीक है। ड्रिबल का मतलब होता है जैसे कोई चीज टपकती है, उसको हम बोलते हैं ड्रिबल। और ड्रेडफुल मतलब डरावना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर एंटोनिम आपसे पूछा गया है, बॉन्डेज का क्या एंटोनिम होगा। और सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, मिक्स तरीके से पूछे जाएंगे। एक एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक एरर का क्वेश्चन, एक फिलर का क्वेश्चन, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर एंटोनिम का एक क्वेश्चन पूछा गया है, बॉन्डेज। बॉन्डेज का एंटोनिम क्या होगा? देखिए, बॉन्डेज का मतलब होता है किसी बंधन में बांधना और लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। तो यहां पर बॉन्डेज का जो एंटोनिम होगा वो होगा लिबर्टी। स्लेबरी, बॉन्डेज और स्लेबरी एक्चुअली सिनोनिम है, ठीक है। दासता जिसको हम बोलते हैं, किसी को दास अपना बना लेते हैं, दास प्रथा जो होती है उसको बोलते हैं स्लेबरी, वेल्थ और अफेक्शन। तो यहां पर लिबर्टी जो है ये इसका बॉन्डिश का एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ये यहां पर ग्रामेटिकल एरर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो ये ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है और इस पार्ट को आपको पढ़ना है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है और कैसे वो इम्प्रूव होगा ये आपको बताना है। यू मस्ट गो टू भोपाल इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा है, ये मस्ट वाला जो सेंटेंस होते हैं ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं। आपको भोपाल जरूर जाना चाहिए, भले ही आपको पसंद हो या ना हो, या आपको भोपाल जाना ही है चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो। तो इसमें हम बोलेंगे वेदर यू लाइक इट और नॉट। यू मस्ट गो टू भोपाल वेदर यू लाइक इट और नॉट। देखिए, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दिया, वेदर यू हैव लाइक इट। तो ये तो हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि यू मस्ट गो टू भोपाल, आपको भोपाल जाना है या जाना चाहिए, ठीक है, चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें। तो इसमें हैव का यहां पर कोई सेंस नहीं है, तो यहां पर हम बोलेंगे वेदर यू लाइक इट और नॉट। और नॉट पहले लगा है तो सही सही ऑप्शन आपका होगा यहां पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या पूछा है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहां पर अ जाइगेंटिक स्टेटस, इसका क्या मीनिंग निकलेगा? और जाइगेंटिक, जाइगेंटिक स्टैच्यू है एक्चुअली ये। जाइगेंटिक स्टैच्यू को हम क्या बोल सकते हैं? कॉलोसस बोल सकते हैं। कॉलोसस का मतलब होता है विशाल, ठीक है, क्योंकि कासल इसका मतलब होता है महल, सीटाडेल भी एक प्रोटेक्टेड महल ही होता है, कॉलम। तो सही आंसर होगा इसका कॉलोसस। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, अ जाइगेंटिक स्टैच्यू, ठीक है। तो कॉलोसस ही इसमें सही ऑप्शन है, बाकी कॉलम तो नहीं होगा। सीटाडेल एक महल होता है, कासल भी महल होता है, कॉलोसस ही इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट आप देखिए, कमेंडेबल, इसका सिनोनिम पूछा है। और कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय। और प्रशंसनीय को हम क्या बोलेंगे? प्रेज वर्दी, इसकी आप तारीफ करें, जो अच्छा हो, ठीक है। कर्टियस मतलब विनम्र होता है, ग्रेटफुल मतलब जिसका आप एहसान मानते हैं। तो कमेंडेबल का होगा प्रेज वर्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहां पर ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड सो मच दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। देखिए, ये एक फ्रेज है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये एक फ्रेज है। और इस फ्रेज का क्या मीनिंग है इन चारों में से, इसका इसका आंसर आपको देना है। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहने रहने खाने का आपका जो खर्चा होता है, जीवित रहने का आपका जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग।
अब देखिए, मेक द बोथ एंड्स मीट, जो इकोनॉमी होते हैं होती है उसके दो एंड कौन से हैं? उसके दो एंड ये हैं कि एक है इनकम और एक है आपका एक्सपेंस, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंस यदि आपके बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बड़ी मुश्किल से आप अपना खर्चा चला रहे हैं। अर्न इनफ टू सर्वाइव, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब यही है कि आपकी इनकम भी, आपकी आपके खर्चे भी 100 रुपये हैं तो आपकी इनकम भी 100 रुपये है, ठीक है। तो आप केवल सर्वाइव करने के लिए ही कमा पा रहे हैं, तो यही इसका मतलब होता है, मेक बोथ एंड्स मीट, यानी डी इसमें आपका सही आंसर होगा। अर्न इनफ टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा पाना, उससे ज्यादा नहीं कमा पाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स्ट्रा वेगेंट, इसका सिनोनिम पूछा है, इसका एंटोनिम पूछा है। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता है, फालतू फिजूल खर्ची जो करता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। और थ्रफ्टी होता है जो कम पैसे खर्च करता है, यानी जहां पर जरूरत है वहीं पर खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं थ्रफ्टी। और थ्रफ्टी से भी एक बड़ी बड़ा वर्ड होता है माइजर, लेकिन माइजर का मतलब होता है कंजूस, तो थ्रफ्टी यहां पर आपका सही आंसर होगा। रिजेंटफुल का मतलब होता है नाराज, वेस्टफुल, वेस्टफुल तो इसका सिनोनिम होगा एक्चुअली, डेफिशिएंट मतलब कमी, तो थ्रफ्टी इसका सही आंसर एक्स्ट्रावेगेंट का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग द ऑफर, कौन सा पार्ट इसमें गलत है ये आपको बताना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। देखिए, रिफ्यूजिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म है और ये जेरेंड फॉर्म होती है, इसको हम नाउन भी बोलते हैं, और इसके पहले यहां पर ये जो प्रोनाउन आएगा ये आएगा पजेसिव केस में, ठीक है। जैसे जैसे कोई भी आप नाउन ले लीजिए, जैसे एक बुक, बुक एक नाउन हो गई, तो बुक के पहले यदि यहां पर आपको ना प्रोनाउन लगाना है तो क्या लगाओगे आप? मी प्रोनाउन बोलोगे या मी बुक बोलोगे या माई बुक बोलोगे? मी बुक हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे माई बुक। तो ये एक्चुअली जेरंड फॉर्म होता है, ये नाउन के इक्विवेलेंट होता है, तो नाउन के बगल में यहां पर हम माई लगाएंगे, मी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, ये पार्ट इसमें गलत है। ही वॉज सरप्राइज एट माई रिफ्यूजिंग द ऑफर, ठीक है, जब मैंने उस ऑफर को रिफ्यूज किया तो उस पर वो बहुत सरप्राइज था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। कार्टोग्राफर एक्चुअली होता है जो मैप्स बनाता है, कैलीग्राफर जो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता है, कोरियोग्राफर डांस से रिलेटेड होता है, तो लेक्सिकोग्राफर ये इसमें आपका सही आंसर है। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरीज को कंपाइल करता है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोरोज का एंटोनिम पूछा है, मोरोज का मतलब होता है दुखी या उदास, मोरोज, और इसका एंटोनिम क्या होगा? चीयरफुल, ठीक है। ग्लूमी उदास होता है, सिक बीमार होता है, टेस्टलेस बेस्वाद, ठीक है। तो मोरोज का चीयरफुल एंटोनिम होगा। इस सीरीज में मैं एसएससी सीपीओ के और दूसरे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी तरीके के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा इस चैनल पर, और इसमें क्लोज टेस्ट, आरसी, और जो टफ टाइप के थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे इसमें। एक वीडियो क्लास में मैं 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो इस पूरी सीरीज को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को भी मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा एसएससी सीपीओ की, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई एम फेड अप विद हिज फॉल्स प्रोमिसेस, इस फेडअप का क्या मतलब है? मैं फेडअप हो गया हूं उसके फॉल्स प्रोमिसेस से, मतलब बहुत ज्यादा निराश, उदास और दुखी हो गया हूं। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट वर्ड होगा वो होगा डिसगस्टेड, डिसगस्टेड सही होगा। फ्यूरियस मतलब होता है क्रोधित, प्लीज्ड मतलब बहुत ज्यादा खुश, होपफुल मतलब बहुत ज्यादा आशावादी, तो डिसगस्टेड इसका सही यहां पर इसका मीनिंग निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यहां पर असेंबल का एंटोनिम आपसे पूछा गया है। असेंबल का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, इसको हम स्कैटर भी बोलते हैं, स्कैटर। गैदर तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, रिजेंबल मतलब समान होना, क्रिएट मतलब बनाना, तो डिस्पर्स यहां पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, द मैन हु सीन द एक्सीडेंट टू अकर टेलीफोन्ड द पुलिस। देखिए यहां पर, देखिए लॉजिक लगाइए आप, यहां पर एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं इस सेंटेंस में, कि वो व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट को होते हुए देखा था
उसने पुलिस को टेलीफोन किया, द मैन टेलीफोन द पुलिस, द मैन टेलीफोन द पुलिस। तो टेलीफोन उसने बाद में किया, लेकिन उससे पहले एक घटना घट चुकी थी। पहले घटना घटेगी उसके बाद ही तो आप टेलीफोन करेंगे, पहले थोड़ी टेलीफोन करेंगे। पहले कोई घटना घटेगी, पहले कोई इंसिडेंट होगा, उसके बाद उसके बारे में आप पुलिस को बताएंगे। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए, ठीक है। जो इस पास्ट सिंपल टेंस से पहले हुआ है वो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए। और पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें केवल सी में है, यानी आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल लॉजिक को अप्लाई करना है। देखिए, इसमें एक स्ट्रक्चर को अप्लाई किया गया है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक वर्ब पैटर्न होता है। जैसे यदि मैं बोलूं कि आई सॉ हिम गो, मतलब मैंने उसको जाते हुए देखा। आई सॉ हिम डांस, मतलब मैंने उसको डांस करते हुए देखा। आई सॉ हिम लाफ, मतलब मैंने उसको हंसते हुए देखा। ये एक वर्ब पैटर्न है और वही वर्ब पैटर्न यहाँ पर आएगा, ठीक है। द मैन हु हैड सीन द एक्सीडेंट अकर टेलीफोन द पुलिस, मतलब वह व्यक्ति जिसने उस एक्सीडेंट को होते हुए देखा था उसने पुलिस को टेलीफोन किया। हु हैड सीन द एक्सीडेंट अकर, ये स्ट्रक्चर सही है, इसमें टू नहीं आएगा। ये जो वर्ब पैटर्न है, हैड सीन द एक्सीडेंट अकर, आई हैड सीन हिम डांस, आई हैड सीन हिम गो, आई हैड सीन हिम लाफ, ये एक वर्ब पैटर्न है और इस तरीके से इसमें टू नहीं आता है। इस वर्ब पैटर्न में यहां पर इसमें टू नहीं आएगा, ठीक है। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहां पर सुनो ने पूछा है एक्सटेसी का। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, और सही आंसर होगा इसमें हैप्पीनेस। ग्रीफ मतलब होता है दुख, फियर मतलब होता है डर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है। किस पार्ट में इसमें एरर है ये आपको बताना है। देखिए, ये कंडीशन से रिलेटेड एक सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं, ये थर्ड कंडीशन है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, अनफुलफिल्ड कंडीशन का ये सेंटेंस है। यदि उसने मुझे बताया होता तो मैंने सही डिसीजन ले लिया होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें इफ जो पार्ट होता है, ये जो इफ पार्ट है, ठीक है, इसमें एक्चुअली हैड आता है। जैसे ये यहाँ पर हैड है और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ये दूसरा पार्ट है जिसको हम रिजल्ट पार्ट बोलते हैं। मतलब एक कंडीशन पूरी होती है और कंडीशन पूरी होने से या तो रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो ये है पूरा रिजल्ट पार्ट, ठीक है। ये पूरा इसमें रिजल्ट पार्ट है और ये है पूरा इसमें कंडीशन वाला पार्ट। तो कंडीशन वाला पार्ट तो इसमें सही है, लेकिन इस वाले कंडीशन में हम हैड के साथ वुड हैव लगाते हैं, या तो हम वुड हैव लगा सकते हैं या हम कुड हैव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर होना चाहिए वुड हैव। ये पार्ट सही है इसमें, ये पार्ट सही है, ये पार्ट सही है। वी वुड हैव बीन एट द ऑफिस इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन, यदि कार खराब नहीं होती तो हम इस समय ऑफिस में होते। तो यहाँ पर बी विल बी नहीं होगा, वी वुड हैव बीन होगा। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। आई होप ये आपको एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो क्लास अच्छी लग रही है, यदि ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें। पूरी पूरी वीडियो सीरीज़ को मैं एक प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और एसएससी एग्जाम की दूसरी भी प्लेलिस्ट है, उनको मैं शेयर करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उन प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देखें, और एसएससी के सभी एग्जाम्स की एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से आप इन प्लेलिस्ट के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर दें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।